दोस्तों, मेरा नाम संजय रावल है। मैं गुजरात के अहमदाबाद सिटी में रहता हूँ। लोग मुझे मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पे पिछले 3 सालों से ज़्यादा जानते हैं। ऐसे मैं बिजनेसमैन हूँ। मैंने लाइफ में कभी सोचा नहीं था कि मैं बोलूँगा, बिकॉज आई कंप्लीट माई ग्रेजुएशन इन 87 एंड 2007, मतलब 20 साल तक मैं कभी पब्लिक में बोला ही नहीं हूँ। पर कुछ वाक्य ऐसा हुआ, कुछ इत्तफाक हुए और लोग बुलाते गए, मैंने बोलना चालू किया। तो वो जो सारी बातें थी वो गुजरातियों को बहुत अच्छी लगने लगी, क्योंकि मैं मेरी मदर टंग में बोलता हूँ, गुजराती में। पर कुछ लोग ऐसे भी थे जो हिंदी भी जानते थे, गुजराती भी जानते थे, गुजरात में रहते थे, उनको 50% गुजराती समझ में आता था। तो बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज किए, जब मिले तब बताया कि संजय भाई आप हिंदी में बोलिए, हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है। मैंने बोला मेरा कोई दुश्मनी है नहीं, पर मुझे, मैं कोई प्रोफेशनल स्पीकर तो हूँ नहीं, तो मैं मेरी अपनी बात अपने गुजरातियों के आगे रखता हूँ। पर बहुत सारे लोग चाहते हैं कि मैं हिंदी में बोलूँ। तो ये लॉकडाउन था, लोगों की डिमांड थी, मैं भी फ्री था, तो मुझे लगा कि जो चीज़, अगर 1 करोड़ गुजराती मेरी बात पिछले 2 साल में यूट्यूब या सोशल मीडिया से मुझे सुनते हैं, तो पूरे भारत में लोग हैं, तो अगर मैं हिंदी में भी बोलता हूँ तो मैं बहुत लोगों तक मेरी बात पहुँचा सकता हूँ। वो जो मेरी प्रोसेस थी लाइफ की, मैं कुछ स्पेशल तो बोलता नहीं हूँ, पर मुझे गर्व है कि मैं हिंदुस्तानी हूँ, मुझे गर्व है मैं सनातन धर्म में पैदा हुआ हूँ। तो ये सारी जो बातें हैं, वो जो मैं लोगों को बताने की कोशिश करता था, वो लोगों को अच्छी लगने लगी। मैं एक बिल्कुल पहले क्लैरिफाई कर दूँ, मैं नात जात धर्म संप्रदाय पॉलिटिकल कांग्रेस भाजपा इसमें बिलीव नहीं करता। मैं बिल्कुल पर्सनली जीने वाला आदमी हूँ। मैं ये मानता हूँ कि इंसान मजबूत होना चाहिए, संस्थाएं, समाज, रिलीजियस नहीं। इंसान मजबूत होगा तो ये सब मजबूत होंगे। तो इंसान मजबूत करने के लिए क्या होना चाहिए, वो बात मैं लोगों से शेयर करता हूँ। बहुत गरीब घर में पैदा हुआ, ऐसी गरीबी कि जो भगवान किसी दुश्मन को नहीं बताए, ऐसे गरीब घर में पैदा होने के बाद आज मैं आपके सामने जब बैठा हूँ, तब व्हेन आई वाज इन स्कूल आई डोंट हैव बाइसिकल, मेरे घर में टॉयलेट नहीं था, माय फादर वाज टेलर, जिसको ओटला बोलते हैं, कच्ची दुकान टेलरिंग की मेरे पिताजी की थी। मैं बाय बॉर्न ब्राह्मीन घर में पैदा हुआ। तो हमारे गुजराती में एक स्टोरी होती है ऑलवेज, जिसमें आते हैं गरीब ब्राह्मण था, मतलब ब्राह्मण गरीब ही होता है, पता नहीं वो किसने लिखी, वरना आज मैं उसको बता रहा कि किसको गरीब बोलते हैं। पर ऐसे गरीब घर में पैदा होने के बाद मैं भगवान से रोज झगड़ा करता था कि मुझे गरीब क्यों बनाया। मेरे दोस्तों के पास स्कूटर है, उनको गाड़ी छोड़ने आती है, वो स्कूल बस में आते हैं, मेरे पास अच्छा स्कूल बैग नहीं है, मेरी फीस सबसे लास्ट में स्कूल में पे जमा होती थी, मेरे पास अच्छे नाश्ते नहीं होते, वो लोग सब बिस्किट ड्राई फ्रूट्स लेके आते थे, मैं चपाती छुंदा या ऐसा कुछ चपाती और गुड़ लेके जाता था। तो मुझे हमेशा ये रहता था कि भगवान ऐसा क्यों किया, सबको इंसान बनाया तो हमें गरीब क्यों बनाया, हमारे पास क्यों पैसा नहीं है। पर ये जवाब न भगवान ने कभी किसी को दिया है, न भगवान किसी को कभी मिला है। छोटे बच्चों की यही हालत होती है। पर मैंने उस क्वेश्चन को छोड़ा नहीं, पकड़ के रखा कि क्यों ऐसा होता है। तो वो जो पूरी एक प्रोसेस मेरी लाइफ में चली, मेरे पिताजी मेरे माँ दोनों मतलब स्कूल नहीं गए, मतलब दोनों को पढ़ना लिखना नहीं आता था। मेरे पिताजी कुछ थोड़ा बहुत कुछ पढ़ लिख लेते, मेरी मदर तो बिल्कुल नहीं पढ़ सकती थी। पर मेरी मदर बहुत रिच फैमिली से थी, मतलब कि बहुत अच्छा, उनका 50 बीघा जमीन था। मेरे नाना उस टाइम में घोड़ी रखते थे, हॉर्स रखते थे, और वो यहाँ से 30-40 किलोमीटर दूर से जब हमें मिलने आते तो घोड़ी लेके आते थे। उसे ऐसे अच्छे घर में वो पैदा हुई। मेरे पिताजी और वो मतलब स्ट्रगल कर रहे थे, बाजू के पालनपुर के बाजू के छोटे गाँव में पैदा हुए थे, और वो टेलरिंग का काम करते थे। वो पढ़े नहीं स्कूल, स्कूल में मैं मारामारी करके 2nd स्टैंडर्ड से निकल गया था। तो फिर वो टेलरिंग का काम करते थे, टेलरिंग का काम खुद सीखे। और जब मैं 8th स्टैंडर्ड में था, एक बार व्हेन आई वाज इन 8th स्टैंडर्ड, मैंने घर में झगड़ा किया कि मुझे साइकिल ला के दो। बोले क्यों साइकिल चाहिए, मतलब सबके पास साइकिल है, सबके पास स्कूटर है, ल्यूना है, घोड़ा गाड़ी आती है, उन्हें छोड़ने बस आती है, हम लोग क्यों गरीब है। तो मेरे पिताजी ने बोला साला किसी करोड़पति के घर पैदा होना था ना। मैंने बोला साथ है, बात सही है, मैं किसी करोड़पति के घर पैदा हुआ होता तो ये प्रॉब्लम ही नहीं थे। पर मैंने बोला वो तो मेरे हाथ में नहीं है। बोले सब कुछ तेरे हाथ में। बोला कैसे। बोले तेरे पास भी सब कुछ हो सकता है। बोला कैसे हो सकता है।
बोले बहुत कसरत कर बेटा, बहुत कसरत कर, एक्सरसाइज, डू एक्सरसाइज एंड बहुत अच्छे बुक्स पढ़। भले पढ़ाई में तेरा इंटरेस्ट कम हो पर अच्छे बुक्स पढ़, बायोग्राफीज पढ़, तुझे जो पसंद आए वो पढ़, पर मतलब पढ़ू कहां से, कसरत कहां से करूं? लंबी बात है, पर उस दिन मैंने थाम ली कि देखता हूं पिताजी ने भी जो कहा उसको भी मान के देखता हूं। आई स्टार्टेड एक्सरसाइज। मेरे घर के सामने एक व्यायामशाला थी, उस टाइम जिम का तो जमाना नहीं था पर व्यायामशाला थी, वहां पर एक विनू भाई करके थे, मैं आज भी उनको दंडवत प्रणाम करता हूं कि आज मेरी जो हेल्थ है एट द एज ऑफ 54 ड्यू टू विनू भाई है। बचपन से एक आदत उन्होंने जैसे नशा हो जाता है ऐसा नशा करा दिया। तो उस व्यायामशाला में जाना चालू किया मैंने, और हमारे घर के बाजू में एक लाइब्रेरी थी जिसमें कुछ 5 रुपये ऐसा कुछ फीस भरना था, थोड़े दिन चला पर फिर वो अकाउंट करके थोड़े दिन चला, फिर स्कूल से लाया, यूँ करते करते पढ़ाई चालू करी, एक्सरसाइज चालू करी। मेरे पिताजी कहते कि तन और मन, तन मानी शरीर, मन मानी दिमाग, बोले तन और मन बेटा तेरा मस्त होगा ना तो धन जख मार के आएगा तेरे पास, जख मार के आएगा। ईश्वर में श्रद्धा रखना, ईमानदारी से मेहनत करना, कसरत कर, बहुत बेटा ये भगवान ने दिया है ऐसा का ऐसा उसको वापस देना है। और बहुत अच्छी किताब पढ़ बेटा, अच्छे अच्छे लोगों के संस्कार आएंगे। बहुत छोटे होते तो माँ बाप जैसे समझाते हैं पैंपर करके कि ऐसा करो ऐसा करो। दोस्तों आपको सरप्राइज होगी, आई हैव रेड मोर देन 4000 बुक इन माई लाइफ टिल डेट, और मैं आज भी 100 डिप्स मारता हूँ। मैं 1966 में पैदा हुआ, 1966 मेरा बॉर्न है, 5th सितंबर टीचर्स डे था। शायद पिछले जन्म में टीचर रहा हूँगा और मर गया हूँगा तो टीचर्स डे के दिन पैदा हुआ। मैंने ये कसरत और वांचन, तन और मन का ध्यान रखा, आपको सरप्राइज होगा। आज मेरा कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है, मेरा अभी पिताजी ओटले पर दर्जी काम करते थे पर मेरे 196 शॉप्स का मेरा कॉम्प्लेक्स बन रहा है। मेरे पास पढ़ने के लिए पैसे नहीं थे लाइब्रेरी बुक्स खरीदने के, आज मेरी बहुत बड़ी 7000 स्क्वायर फीट की बुक स्टोर है, बहुत अच्छा। मैं एक होटल में वेटर की जॉब करता था, आई वॉज लिटरली वेटर इन अ होटल फॉर 3 years इन माई लाइफ व्हेन आई वॉज इन कॉलेज। आज मेरी खुद की होटल है। मैं एक व्यायामशाला में जाता था एक्सरसाइज करने, वहां पर भी 10 रुपया फीस थी, नहीं थी तो बोले झाड़ू मारो, सफाई करो, कचरा पोता करो, रोज जल्दी आके तो आपको फ्री करने मिलेगा, तो मैं वो भी करता था। आज मेरे खुद के 2 जिम चल रहे हैं। सी द ग्रेस ऑफ गॉड। तन और मन का ध्यान रखा तो धन आ गया। अब ये जो पूरी प्रोसेस है, हर एक को पैसा चाहिए, हर एक को सुखी होना, हर एक को धीरूभाई अंबानी होना है, पर हो नहीं सकता है। कैसे होना है? हमें सही बातें सिखाई नहीं गई, हमारा कंडीशनिंग गलत किया गया है, हमें जो बेसिक चीजें होती है वो बताई नहीं गई। जैसे हमें अंग्रेजी बोलना है तो स्पेलिंग आनी चाहिए, अगर स्पेलिंग नहीं आता तो अंग्रेजी नहीं आ सकती। ऐसे हमें सक्सेस होना है तो सक्सेस के जो बेसिक वर्ड्स है, भगवान क्या है, प्रार्थना क्या है, स्कूल क्या है, प्यार क्या है, सेक्स क्या है। आज तो हम अगर कहीं प्यार या सेक्स बोलेंगे, ये इंसान कैसी बातें करता है। साहब मैं आपके सामने सच बोलने आया हूं, मैं अच्छा बोलने नहीं आया हूं, सच्चा बोलने आया हूं। एवरीबडी वॉन्ट्स टू टच योर माइंड, आई वॉन्ट टू टच योर हार्ट। लाइफ इज सो ब्यूटिफुल, साला कोई कहता ही नहीं। एक साइड में 300 धर्म और 3000 संप्रदाय है हमारे देश में, 300 धर्म और 3000 संप्रदाय। एक और मुस्लिम है, एक इस्लाम था, वहां भी सिया सुन्नी करके 72 फिरके बना दिए हमने, दिल है के मानता नहीं। पूरा पाकिस्तान सिर्फ मुस्लिम है तो सिया सुन्नी लड़ते हैं, पता नहीं दुनिया का क्या होने वाला है। मतलब एक और रिलीजियस सिस्टम है और एक बाजू हमारी एजुकेशन सिस्टम है जो अंग्रेज छोड़ के गए थे। आपको सरप्राइज होगा, 1838 में जॉन मैकेलो करके एक आदमी पूरे भारत का उसने भ्रमण किया, मतलब आजादी के 110 साल पहले, और उसने लंदन की पार्लियामेंट में ऐसा स्टेटमेंट दिया कि इस देश में कोई गरीब नहीं है, इस देश में हम ज्यादा टाइम राज नहीं कर सकते हैं, इस देश की धरोहर बहुत मजबूत है सनातन धर्म की, हिंदू धर्म की, इसे हम गुलाम नहीं बना सकते, पता नहीं 800 साल मुगलों ने कैसे राज किया, आज भी ये 80% में है। तो इस देश पर अगर राज करना है, इस देश को लोगों को खत्म करना है, तो इस देश की एजुकेशन सिस्टम को खत्म कर दो।
इस देश में जो संस्कार, ऑनेस्टी, लोग ऑनेस्ट है, लोग हार्ड वर्कर है, उसको खत्म कर दो। उनका जो रिलीजियस फोर पिलर है उसको खत्म कर दो। तो उन्होंने क्या किया, 5 सब्जेक्ट स्कीम दाखिल करी हमारे देश में, गणित, विज्ञान, भूगोल, ढेकड़ा और पूछड़ा, हमारे गुजराती में जिसको कहते हैं, 5 विषय पढ़ो और एग्जाम दो। न संगीतकार पैदा होंगे, न स्पोर्ट्समैन पैदा होंगे, न कोई कोई जो इंसान बाय बॉर्न जिसमें स्किल है वो न स्किल पैदा होगी, और क्लर्क और नौकरिया जिसको जॉब करना है ऐसे लोग पैदा हो, ऐसे एजुकेशन सिस्टम हमारे यहां एडमिट करके गए। अच्छा, द होल एजुकेशन सिस्टम इज वर्किंग फॉर ओनली 20% ऑफ द स्टूडेंट्स। हमें डॉक्टर चाहिए, इंजीनियर चाहिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, आईएएस, एनआईपीएस, बाकी सब कचरा। ऐसे सिस्टम दाखिल करके गए कि 20% जो क्रीम लोग हैं वो सक्सेस कहलाते हैं, और जो 80% लोग हैं, बिलो 80%, वो डिब्बा कचरा। और इसमें भी जो फेल हो गया, 35% आया, 40 आया, 50, वो तो समझो कि जैसे समाज के लिए बोझ है। रिजल्ट ये आया कि आज की तारीख में 65 करोड़ यूथ इस देश के पास है, हिंदुस्तान के पास है, और ओलंपिक में हम 65 गोल्ड मेडल नहीं ला सकते। क्यों? सब निकम्मे है, सिस्टम नहीं डेवलप हुई। बहुत सोचने वाली बात है। 5000 साल की संस्कृति वाला ये देश, 5000 साल, शक आए, हूण आए, मुगल आए, आर्यंस आए, अंग्रेज आए, आज भी ये देश खड़ा है। 130 करोड़ की आबादी के साथ भी इस देश को आप और देखना, अगले 10 साल में इंडिया कहां पहुंचता है, भारत कहां पहुंचता है, हिंदुस्तान कहां पहुंचता है। इसकी वजह, इस देश की जड़ें बहुत मजबूत है। इस देश के पास जो ज्ञान है, सांस्कृतिक धरोहर है, वो मजबूत है, पर वो एजुकेशन सिस्टम में आई नहीं है। बच्चों को बेसिकली पता ही नहीं, सबको धीरूभाई अंबानी बनना है, सबको अमिताभ बच्चन बनना है, सबको तेंदुलकर बनना है। अब हमें स्कूल कॉलेज में सिखाया जाता है गांधी जी जैसे बनो, अरे भाई कस्तूरबा कहां से लाएंगे, गांधी जी दूसरा पैदा नहीं हो सकता, वो खुद आएगा तो भी नहीं बन सकता। हमें बोलते भगत सिंह बनो, अरे बॉम्ब फेंकना पड़े पार्लियामेंट में, अभी फेंक सकते हैं, अपने लोग हैं। एक ही चीज है साहब, किसी को किसी के जैसा बनना नहीं है, पर हर इंसान को अपने आप को कल से बेहतर बनाना है, इतना ही करना है। अपने आप, मेरी कॉम्पिटिशन मुझसे है, दूसरे से नहीं है। किसी की फिंगरप्रिंट एक जैसी है, एक पैर पे दो पौधे के दो लीफ आप माइक्रोस्कोप में देखिए एक जैसे नहीं, तो कोई किसी के जैसा बन सकता है? ये थियोरी पूरी गलत चली। मैं अपने आप को कल से बेहतर बनाऊंगा, ये बात किसी ने बताया नहीं, और हमेशा कॉम्पिटिशन, टॉप पे जाओ, पहला नंबर लाओ, फिर क्या, पैसा कमाओ। अरे साहब, 5 लाख रुपए का डाइनिंग टेबल आ सकता है, पर 5 लाख में भूख नहीं आ सकती है। 5 लाख रुपए का पलंग आ सकता है, स्प्रिंग वाला गद्दा आ सकता है, नींद नहीं आ सकती। जिंदगी क्या होती है वो हम भारतीयों से ज्यादा कौन जानता है, पर पूरी सिस्टम तहस नहस करके लोग गए। और पिछले 70 साल में हम लोग इस एजुकेशन सिस्टम को बदल नहीं सके, या तो हमारे पास मुद्दे अलग था, या कोई ऐसा विजनरी आदमी नहीं था। हमें किसी को ब्लेम नहीं करना है, पर हम मनुष्य क्यों बने, जानवर क्यों नहीं बने? सनातन संस्कृति कहते 84 लाख योनियों में घूम घूम के हम यहां आए हैं, मतलब अच्छे कर्म किए तभी तो मनुष्य बने। और इसमें भी हमारी आंख, नाक, मुंह, जीभ, हमारे कान, उंगलियां, अगर हमारा बॉडी का हर एक पुर्जा अगर सही है ना, तो लॉटरी है। तो भी 80% लोग क्या बोले, शू करो, क्या करो, लाइफ में कोई गोल नहीं है, लाइफ में मजा नहीं है। जिसको देखो जीवन में मजा नहीं है, किसी को मजा नहीं है, नोबडी इज हैप्पी। 2 करोड़ की मर्सिडीज लेके बंदा जाता है तो भी, और पीछे ऑटो वाला बैठ जाओ, कोई हंसता ही नहीं है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह हम कुछ बुनियादी चीजें भूल रहे हैं। ना हमें एजुकेशन सिस्टम ने सिखाया, ना हमें हमारे रिलीजियस सिस्टम ने सिखाया। तू पापी है, मैं बोलता साला मैं पापी हूं, मेरे से पाप हो गया।
एजुकेशन सिस्टम का डिब्बा है, तेरे को गणित नहीं आता, तेरे को ज्योग्राफी नहीं आती। स्टूडेंट मन में बोलता 12 बताओ क्या आता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम साहब ये है कि हमारे स्कूल कॉलेज में जो पढ़ाते हैं वो जीवन में काम नहीं आता है, लाइफ में काम नहीं आता है, और जो लाइफ में काम आता है साले स्कूलों में पढ़ाते नहीं, कॉलेजों में पढ़ाते नहीं। हमें बताते कि ये करो तो प्रॉफिट हो जाएगा, ये करो तो इतना प्रॉफिट हो जाएगा, ये करोगे तो ये होगा, पर अगर सब कुछ करने के बाद लॉस हुआ तो क्या? ये कौन से स्कूल कॉलेज में सिखाते मुझे बताओ? तो लोग सुसाइड करते हैं। बैंक में से पैसा लो, आईटी रिटर्न भरो, ये करो, फिर लोन लो। अरे पर जब बैंक लोन नहीं लेता है और बाजार से मैंने मार्केट से पैसा उठाया और मैं बहुत हाई रेट पर पैसा भरता हूं और इतना मेरा कर्जा चढ़ जाए मुझे सुसाइड करना पड़े, तब मैं क्या करूं? ये तो कोई सिखाता नहीं है। तो हमारी पूरी एजुकेशन सिस्टम